హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఎన్నికల ప్రచారంలో బిజీగా ఉన్నారు ప్రధాని మోదీ. తొలుత కాంగ్రాలో జరిగిన సభకు ఆయన హాజరయ్యారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓ లాఫింగ్ క్లబ్ అని ఎద్దేవా చేశారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ ను మైనింగ్, అటవీ, మాదక ద్రవ్యాలు, టెండర్, బదిలీ మాఫియాలనే ఐదు భూతాలు పట్టి పీడిస్తున్నాయని అన్నారు. వాటిని పెకిలించేయాల్సిన సమయం వచ్చిందని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు ప్రధాని. बटन दबा करके अपनी पसंद की सरकार चुनने वाले हैं. आप अपनी चहेती सरकार बनाने वाले हैं. जिन्होंने हिमाचल को लूटा है इनको विदाई करने का अवसर 9 तारीख को है. मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब एक लाफिंग क्लब बन गया है. कांग्रेस पार्टी चुनाव मैनिफेस्टो में ये लिखे और स्वयं मुख्यमंत्री जी जो जमानत पे भ्रष्टाचार पर केस चल रहा है, गंभीर आरोप लगे कल टीवी मीडिया के सामने आकर के अपने मैनिफेस्टो दिखा रहे हैं और मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनेगी तो करप्शन पर धूमल जी को भी दूसरा बार मौका मिला और जब दूसरी बार मौका मिला तो धूमल जी ने यहां की भावी पीढ़ी की चिंता की. सरकार की पहचान शिक्षा को समर्पित सरकार के रूप में जानी गई. इंडिया टुडे जैसे जब सर्वे करते थे हिमाचल को नंबर एक देते थे, नंबर एक देते. मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये वर्तमान की सरकार श्रीमान वीरभद्र जी की सरकार, वैसे वीरभद्र जी तो जमानत पे हैं, हिमाचल के किसी भी व्यक्ति को पूछा जाए, बच्चों को पूछा जाए कि भाई शांता जी की सरकार